हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो मेडिकल वाला। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगा बिड ई टैबलेट के बारे में। तो ये कंपोजिशन जो है आपने बहुत ही रेयरली कभी देखा होगा। तो आज मैंने भी अभी सर्च मारा है कि यूट्यूब पे इस कॉम्बिनेशन में किसी भी कंपनी की कोई दवाई का अभी तक किसी ने रिव्यू नहीं किया, कोई वीडियो नहीं डाली है। तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में जानकारी दी जाए, आप लोगों के साथ में इसकी जानकारी शेयर करते हैं। तो चलिए, किस किस परेशानी में इसको यूज़ करते हैं, किन लोगों को नहीं देनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगी। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है तो, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह की पैकिंग होती है और इंटास फार्मा के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और वहीं इसके एमआरपी के बारे में बात करें तो एमआरपी आपको मिलता है 225 रुपये इसका। इस टैबलेट आती है स्ट्रिप के अंदर में, यहाँ पे आपको रेड पट्टी दिख जाती है, वही शेड्यूल एच की वार्निंग की, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये नहीं सेल आउट करनी है। तो आइए जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर में दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, तो आइए जानते हैं कौन कौन सा है। तो इसमें पहला है प्रेगाबालिन एंड दूसरा है इथोरिकोक्सिब। तो ये दो दवाइयों का कंटेंट इसके अंदर में मिलता है। प्रेगाबालिन इसके अंदर में 75 mg है और इथोरिकोक्सिब 60 mg है। तो आइए जानते हैं पहले प्रेगाबालिन के बारे में कि क्या है ये। तो प्रेगाबालिन जो है ये एंटी कन्वलजेंट, एंजियोलाइटिक और एनाल्जेसिक, ये तीन प्रॉपर्टी रखती है। तो आइए जानते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में कि किस किस परेशानी में इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेगाबालिन का। तो प्रेगाबालिन जैसे कि मैंने बताया एंटी कन्वलजेंट ड्रग है, तो इसको मिर्गी दौरे में भी इस्तेमाल किया जाता है और नर्विक पेन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिर्गी दौरे में ऐसा नहीं है कि आप इसको दोगे तो आराम मिल जाएगा, ये कोई मिर्गी दौरे वाली मेन ड्रग नहीं है। बट हाँ, जो मिर्गी दौरे की मेन दवाइयाँ होती हैं उनके साथ में इसको चलाया जाता है कई बार, हमेशा नहीं चलाया जाता, ये चीज़ याद रखें। ज़्यादातर नर्विक पेन यानी नसों में जो दर्द होता है उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो यह जो है ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीजों में दी जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों को ही नसों में दिक्कत, नसों में कमजोरी और भी कई सारी नसों से संबंधित परेशानियां होती है। नसों में दर्द रहता है 24 घंटे, नसों में सुई चुभना जैसा होता है, हाथों में जो है सुन्नपन, हाथ पांव की नसों में सुन्नपन, इसके अलावा वहां पे हाथ पांव की नसों में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होना और हाथ पांव की जो नसें हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है, उनमें खून की कमी हो जाती है, थकान होने लगती है। तो उन सभी परेशानी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इथोरिकोक्सिब की। तो इथोरिकोक्सिब किस काम में आती है? तो इथोरिकोक्सिब जो है ये एनएसएड यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जिसकी हाफ लाइफ जो टाइमिंग होती है वो 22 घंटे की होती है, इसीलिए इसको दिन में एक बार ही दिया जाता है। और इससे पहले मैंने भी बताया प्रेगाबालिन, तो इसको भी दिन में एक बार ही दिया जाता है, बाकी की जो डोज की बातें हैं वो हम आगे करेंगे। तो ये जो है इथोरिकोक्सिब काम कैसे करती है? तो इथोरिकोक्सिब जो है ये कॉक्स टू इनहिबिटर होती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल होता है उसके प्रोडक्शन को रोक देती है, जिससे जो दर्द वगैरह है वो महसूस नहीं होता और दर्द ठीक हो जाता है, बुखार भी ठीक हो जाता है। तो जब पैरासीटामोल या फिर कुछ अन्य जो दवाई होती है साधारण वो काम नहीं करती है, उनसे आराम नहीं मिलता है किसी भी मरीज को, तब जो है उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। तो इसके अंदर में जो है एक पेन किलर डाली हुई है, दूसरा प्रेगाबालिन है जिसके बारे में मैंने बताया, नसों में दर्द है, नसों की कमजोरी के लिए है, और स्पॉन्डिलाइटिक आर्थराइटिस इस तरह की जो हड्डियों से संबंधित जो परेशानी है, जैसे कि सिंपल भाषा में बोले तो हाथ पैर की उंगलियों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, और इसके अलावा जो बैक बोन होती है उस हिस्से में दर्द होना और घुटनों में दर्द होना, इस तरह की जब समस्या देखी जाती है तो उसमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा जैसे भी बताया नसों में दर्द होना, नसों में प्रॉब्लम, मतलब कहीं भी नसों में दर्द हो तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों इस दवा को जो है लेने के बाद में आपको उल्टी,
चक्कर, जी मिचलाना, आंखें लाल होना, इसके अलावा पेट में कब्ज बनना, पेट में गैस बनना, कब्ज होना, इस तरह की कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और सावधानियों की बात करें तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट है या फिर कार्डियो वस्कुलर कोई डिसऑर्डर है उन्हें, तो उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं कराना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आप दे सकते हो, काफ़ी हद तक सेफ़ है, बट फिर भी डॉक्टर की सलाह, एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर से ले लें। और अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इस दवाई का यूज़ ना करें बिल्कुल भी। तो इस्तेमाल के बारे में बात करें कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, तो इसको जो है एक ही टाइम लेने की सलाह दी जाती है। बाकी कुछ अगर ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो उसमें जो है दो टाइम तक चलाया जाता जा सकता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्राइस वगैरह आपको सब कुछ बता दिया मैंने, तो इन्फॉर्मेशन इतनी थी इस टैबलेट को लेके। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।